हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशु जायका। मैं हूं निशु। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ड्राई मूंगफली चाट की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और चटपटा बनकर तैयार होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए गैस ऑन करें और उस पर चढ़ाएँगे एक पैन। पैन में डालें 1 से 2 चम्मच तेल और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप के करीब पीनट यानी कि मूँगफली, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। तो इसे चलाते हुए आपको भून लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 मिनट बाद ये भून गया है अच्छे से, और अब हम गैस ऑफ़ कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक ले मिक्सिंग बोल और उसमें डालेंगे मूंगफली, और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे सब्जियाँ। तो यहाँ पर आप अपने पसंद के सब्जियाँ ले सकते हैं। यहाँ पर एक प्याज डालें, एक टमाटर डालें और एक हरी मिर्च डालें। उसके बाद थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डालें, और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक स्वाद के अनुसार, और फिर 1/2 चम्मच नींबू का रस, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला इसे चटपटा बनाने के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। शाम को इसे चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। ये चटपटा मूंगफली चाट बनकर हो गया है तैयार। तो आइए इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और इन्जॉय करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।